नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड आपके पास लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। तो ये जो है ये हमारा डबल माइक इनपुट है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग उसका आउटपुट ले सकते हो। ये दोस्तों एक प्री एम्प है और ये दोस्तों आप लोग चाहे तो इसको मिक्सर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों 10 वॉल्यूम है। यहाँ पर ये हमारा मेन वॉल्यूम है, ये हमारा मेन बास है, ये हमारा ट्रेबल है, ये हमारा माइक 1 का वॉल्यूम है, ये माइक 2 का वॉल्यूम है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये है माइक का बेस, ये है दोस्तों माइक का मिड, ये है दोस्तों हमारा माइक का ट्रेबल, और दोस्तों ये है हमारा माइक का इको, और ये है माइक का डिले, ये वाला है डिले। ठीक है, यहाँ पर टोटल एक ही बोर्ड में टोटल सब कुछ कनेक्शन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस बोर्ड का जो पीसीबी लेआउट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग इस बोर्ड को खरीदना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर रहेगा, आप लोग चाहे तो इस बोर्ड को खरीद सकते हो। इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी भी होगा। तो चलिए पहले मैं इसको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1200 mAh का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है दोस्तों ड्यूल सप्लाई का, और यहाँ पर मैंने ड्यूल सप्लाई दिया है 1212, और ये हमारा मेन आउटपुट है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा माइक 1 का इनपुट है, ये हमारा माइक 2 का इनपुट है। ठीक है, दोनों माइक हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, और आउटपुट दोस्तों एक ही जगह पर होगा। और ये हमारा ऑक्स इनपुट है दोस्तों, यहाँ पर चाहे तो आप लोग ब्लूटूथ कार्ड जो होता है पैनल वहाँ पर से भी इनपुट दे सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए दोस्तों ऑक्स से इनपुट दिया है जो कि मेरे फ़ोन से कनेक्ट है, और यहाँ पर मेरा एक डायनेमिक माइक्रोफोन है जो यहाँ पर कनेक्ट है दोस्तों। मैं दोनों सॉकेट को ही चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को पहले मैं साइड पर रख देता हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बोर्ड को चलिए मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी टेस्टिंग करके इसका। ठीक है, तो इसको मैं ऑन करता हूँ पहले। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका सप्लाई जो है वो ऑन कर दिया है। पहले दोस्तों आप लोगों को सॉन्ग को प्ले करके दिखा रहा हूँ। यह हमारा सॉन्ग प्ले हो चुका है ऑलरेडी। ये बास है, ठीक है, बास। ये ट्रेबल है, ठीक है। माइक को मैं ऑन करता हूं दोस्तों अभी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 हेलो, देख सकते हो दोस्तों ये हमारा माइक का वॉल्यूम है, इसको मैं ऑफ कर दिया है दोस्तों, देख सकते हो। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो, ये माइक का बास है। हेलो 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 हेलो, देख सकते हो दोस्तों बास बड़ी अच्छी तरीके से वर्किंग है, और ये माइक का ट्रेबल है। हेलो 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 हेलो, देख सकते हो ट्रेबल को मैंने ऑफ कर दिया है। हेलो 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 हेलो, और ये हमारा दोस्तों मिड है, मिड को मैंने ऑफ कर दिया है। हेलो 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 हेलो, दोस्तों ये हमारा ट्रेबल है, ट्रेबल ये है, और ये हमारा मिड है, ये मीट को मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा मीट है दोस्तों, ठीक है, और ये हमारा ट्रेबल है। हेलो 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 हेलो, माय टेस्टिंग 1 2 3, हेलो 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 हेलो, देख सकते हो ये हमारे इको है दोस्तों। इको जो है बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से वर्किंग है, तो इको को मैं ऑन करता हूँ दोस्तों। ये हमारा डिले है, इको ये है, इको इको जैसे तो इको हो रहा है, और अब डीजे को ऑन करते हैं दोस्तों।
हेलो 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 फ्रेंड्स 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 हेलो 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 सुन सकते हो आप लोग आप लोग कैसे ये वर्ड है हेलो 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 ठीक है तो यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया है इस माइक को, तो अभी इस सॉकेट में लगाएंगे माइक को। तो चलिए अभी माइक को लगाते हैं इस सॉकेट में। हमारा जो मेन मास्टर वॉल्यूम है वो ऑन है दोस्तों, ये वाला। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं, अभी इसको ऑन करेंगे। हेलो 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 अच्छी तरीके से हेलो हेलो हेलो। तो अभी मैं दोस्तों सॉन्ग को प्ले करता हूँ। हेलो सुन सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत माइक चल रहा है। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये बढ़िया तरीके से वॉकिंग है। तो चलिए अभी मैं बोर्ड को, इसका जो कनेक्शन है इसको खोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दोस्तों इसको दिखा रहा हूँ क्यों मैं यहाँ पर पीछे की साइड पर मैंने पोटेंशियोमीटर को लगाया है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो चलिए, और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमें राइट और लेफ्ट एक ही चैनल मिल जाएगा आउटपुट पर। ठीक है, और ये हमारा 12 वोल्ट माइनस है, ये 12 वोल्ट प्लस है, और ये ग्राउंड है। और यहाँ पर दोस्तों माइक 1 है, यहाँ पर माइक 2 है, और यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। तो पीछे की साइड पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, बोर्ड को मैंने उल्टा प्रिंट किया था पीसीबी लेआउट को, तो कुछ इस तरीके का बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आईसी को उल्टा लगाना पड़ा, इसका जो लेग्स है उसको उल्टा करके लगाना पड़ा मुझे, तो यहाँ पर गलती से हो गया है। पर दोस्तों ये जो बोर्ड है ये बढ़िया तरीके से वॉकिंग कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो आईसीज है हमारा, ये 5 आईसी हमारा TL072 लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो आईसी है ये PT2399 आईसी है दोस्तों। ठीक है, और बाकी बात सब ये सब PF कैपेसिटर से और रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये हमारा मेन वॉल्यूम है, ये बास है, ये ट्रेबल है, ये माइक 1 का वॉल्यूम है, माइक 2 का वॉल्यूम है, और ये माइक का बेस है, माइक का मिड है, माइक का ट्रेबल है, और ये इको है दोस्तों, और एंड में ये डीले है। अगर मैं कुछ इस तरीके से पोटेंशियोमीटर को लगाता इस साइड पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम सब उल्टा करना पड़ता मुझे, तो इसीलिए मैंने दोस्तों कुछ इस तरीके से लगाया है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो दोस्तों इसको आप लोग वॉल्यूम को खोल के वायर लगा के यूज़ कर सकते हो, तो बड़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। वैसे भी दोस्तों ये बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप लोगों ने देखा। तो ये जो बोर्ड है दोस्तों, इस बोर्ड का प्राइस जो है कैश ऑन डिलीवरी 900 रुपये है। ठीक है, और अगर आप लोग सिर्फ ये पीसीबी को खरीदना चाहते हो, पीसीबी का प्राइस है 350 रुपये कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, सिर्फ पीसीबी का प्राइस है 350 रुपये कैश ऑन डिलीवरी, और कंपोनेंट लगा के दोस्तों ये आपको 900 रुपये पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्रोफेशनल बोर्ड है, जो प्रोफेशनल ऑडियो जो लोग डीजे करता है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी अच्छा एक बोर्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग चाहे तो इसको मैं बॉक्स में लगाकर भी दे सकता हूँ, आप लोगों के रिक्वायरमेंट के ऊपर पैसा लगेगा, प्लस मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आप लोगों को इसका PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके घर पर बना सकते हो दोस्तों। ठीक है,
दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी उसका शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा और देखते रहिएगा मेरा चैनल सैंडी यूट्यूबर। दोस्तों चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।